संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन दिल्ली द्वारा संचालित सिसो दरभंगा के तत्वाधान में सिंहवाड़ा प्रखंड के माधोपुर एवं बलिया गांव के सड़कों पर दोनों तरफ ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया। वहीं इस मौके पर मुखीजी नंदकिशोर राय के दिशा निर्देशन में कार्यक्रम का आगाज किया गया। वहीं इस मौके पर किशुनराम, रमेश कुशवाहा, मनोज ठाकुर, अवध महतो, विजय महतो के अलावे अनेकों कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं इस मौके पर सभी मास्क एवं हैंड ग्लव्स पहनने के साथ साथ पूरे कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखते हुए नजर आए। वहीं इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने सेवा दल के किशुनराम एवं किशोर राय मुखी जी से बात करके इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी ली। आइए हम आपको सीधे सुनवाते हैं कि उन्होंने हमारे संवाददाता से बात करते हुए इस कार्यक्रम के बारे में क्या जानकारी दी। आस्था जो है संत निरंकारी मंडल चैरिटेबल फाउंडेशन के माध्यम से जो है, जो अभी इस कली काल में जो कोरोना भी है और कोरोना के देखते हुए जो हमारे क्षेत्र में दरभंगा जिला में जो बाढ़ का जो प्रभावित हुआ है, इस बाढ़ के प्रभावित से हम लोग जो बलिया गांव ये माधोपुर जो बाढ़ से पीड़ित था, जो पानी बाढ़ का घुसा हुआ था, उसमें हम लोगों ने सब मिल करके जैसे रमेश जी है, मनोज जी है, ये सारे सेवा दल के नौजवान हैं, सब मिल करके इस ब्लीचिंग पाउडर कार्यक्रम का जो छिड़काव करने के लिए आज 21/8/2020 को ये लिया गया है। इसी में हम सब सम्मिलित होकर के जो मानवता का जो हमारा एक कार्यक्रम है कि मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं, इस मानवता के भलाई के लिए, क्योंकि बाबा जी कहते थे कि गंदगी अंदर हो या प्रदूषण बाहर हो, दोनों हानिकारक होता है। तो आज इसी उद्देश्य से हम लोग गाँव में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर रहे हैं। किशुन राम सेवा दल है संत निरंकारी यूनिट नंबर 340 के शिक्षक, चैरिटेबल फाउंडेशन दिल्ली द्वारा आज बाढ़ राहत में हमारा ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव के लिए इस गांव में रखा गया है। और ये कार्यक्रम जो है सो हमारे ब्रांच सिसो दरभंगा की ओर से सारे गांव में हो रही है। आज पहली दफ़ा इस गांव में माधोपुर बलिया 4 किलोमीटर की दूरी में ये कार्यक्रम को करना है। सामाजिक चेतना, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक मिलवर्तन, समाज में जो है सो शत्रु माता सुदीक्षा जी का आज्ञा का पालन करना और लोगों के अंदर ये चेतना जागृत करना, ये मिलवर्तन और प्यार का ये मिशन है, जिससे सारे गांव में गंदगी और स्वास्थ्य सफाई का कार्यक्रम हमको साफ करना है। जहां गंदगी हुई वहां छिड़काव करना है और इस स्तर को ऊंचे स्तर ही नहीं पूरे विश्व में यह फैला हुआ है। संत निरंकारी मंडल का आज 83 कंट्री में यह कार्यक्रम चल रहा है। किशोर राय मुखी सिसो दरभंगा।